अबे हमने कमेंट देख लाए, तो भाई साहब आप कमेंट कर रहे हैं सो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में हमें काहे को घसीट रहे हैं। तो हम इतने पैसा वाया नहीं है कि हम जाके वो उनके पैसा दे दें कि हम उनके पैसा दे दें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई साहब मैंने किसी का कुछ नहीं लिया है। आप हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग्स में। स्वागत करते हैं आप सभी, बढ़िया होंगे, सभी को राधे राधे। हम भी ठीक हैं, और कल तो मुंह नहीं बोल पा रहे थे ज़्यादा, क्योंकि हमने जो डाढ़ अपनी निकलवाई थी तो टांके लगे थे, उसमें दो लगे हों या तीन लगे हों, सो ये वजह से डॉक्टर साहब ने कही थी कि भाई थोड़ा सा मतलब बात कम करना। आज तो मतलब काफ़ी ठीक है, अब 3-4 दिन बाद जाएंगे तो इसके बाद निकलवाएंगे वो टांके। और बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही थी गाइस, इस वजह से निकलवाई थी, और उसमें साइड से मतलब कीड़ा लग गया तो इस वजह से निकलवाने पड़ी थी, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी थी। और आज मौसम कुछ गड़बड़ सा लग रहा है कि जैसे पानी भी आ सकत, पानी तो वैसे रोज़ गिर रहा हो, थोड़ा सा सुबह गिर रहा हो तो थोड़ा सा रात में गिर रहा हो, तो मौसम तो ऐसे चल ही रहे। लेकिन निधि ने आज बहुत सारा काम कर लो, पूरे कपड़ा धो के डाल रहा है हमारे, देखो उतने तार पे गुंजाइश नहीं मिली, से देखो एक ही पर डाल दे, बाकी पेंट डाले के तो छत पे हमारे। अबे आ दे यार, धोवे तो पाए कपड़ा, ठीक है जितने शादी में ले गए थे उतने ही कपड़ा धोए, जितने शादी में ले गए थे उतने ही धोए, उतने ही धोए यार, बाकी रखे हैं। अबे आधे कपड़ा रखे हैं वैसे, लेकिन बेटा से धोए दोबारा। हां वही हम कत जा रहे थे आगे चल के, ठीक है के भैया पूरे तो कपड़ा साफ होते हुए, और ने कही कि आधे अबे तुम्हारे रखे हैं, कहां मक्खी काट रहे हैं, बस कार्य को सीजन है, ठीक है। इन टाइम पे ज्यादातर मक्खियाँ आती हैं, मुंह पे बैठे हैं, नाक पे बैठ जाए भी नाक में घुस जाती, मक्खियों के काम ही ऐसी रहता। और अगर जी जैसे पानी बरस गो फिर जी नहीं सूखे जी कपड़ा, फिर पंखा चला के फिर थोड़ी ना भी सही रहता, छटाई को इतने आधे सूखे तो हो ही गए। हाँ ऐसे हमने पेंट पेंट छत पर डाले के लोग उनको छूटा की धूप लगे, अच्छा हाँ। सुबह जल्दी सूख जाएंगे, जल्दी सूख जाए ना, इतना कम लगे कम सूखे कोई बात नहीं। हाँ लेकिन जो धूप में सूख जाता कपड़ा वो वैसी हवा में नहीं सूखे, हवा में जल्दी सूख जाए, नहीं सूखे तो मैं लगता है ऐसा। और जो अभी तक है सूखे कहाँ से, वो पसीज है पसीज रहे, ऐसी धूप निकली पन ऐसे अपन वो पसीना तो मैं थोड़ी सूख रहा है। चलो खाना बन गया है? खाना बन गया, चलो तो एक दो रोटी दे दो, थोड़ी थोड़ी खा लें साइड वाली डाढ़ से, ये साइड तो खा नहीं पाना, हलवा नहीं खाना, बस एक दो रोटी खा लें, दवाई खाने फिर। सब्जी क्या बनाई? कद्दू। चलो तो दो रोटी दे दो फिर, दवाई खा के आराम करें थोड़ा सा। हमारा तो खाना हो गो, हम तो आ गए हैं अपने, देखो कूलर चला के बैठ गए, और आज हमारा कूलर भर भर चल रहा हो, मतलब जनक का बात है, ऑटोमेटिक लाइट इतनी तेज आ रही कि एकदम से स्पीड बना रहा हूँ फिर धीमो हो जा रहा हूँ, एकदम से स्पीड बना रहा हूँ, ऐसा चल रहा हो। आज हमें जी लग रही कि जी कछु करना बैठ गए जो लग रहा हो, फिर भी हम तो चला आ रहे हैं, काहे के गर्मी लग रही, देखो निधि को भी गर्मी लग रही थी भैया, तो जी अपना खाना लेके यहाँ ही आ गए, देखो वही वही कटोरी वही थाली में सब्जी रखें, वही थाली में देखो रोटी रखें, ये नहीं कि दूसरी थाली ले लें बड़ी, अपने लाने तो जैसे जाए थाली, अच्छा में सारे वाह कैसी पागल है, देखो फ्रिज को पानी भर ले आए और है, इतनी ठंडक हो गई फिर भी फ्रिज को पानी पिया है, अब ठंडक और इतनी गर्मी लगाई तो फिर फ्रिज में बैठ के खा ली थी, फ्रिज में तो बर्फ ही बन जाए, बर्फ बन जाए। चलो भाई सब ठीक है, खा लो तुम खाना, अपन तो थोड़ा आराम करते हैं। अब गाइस शाम के बज रहे हैं 4, और अभी हम सो के उठे हैं, और देखो बहुत तेज तेज बारिश हो गई है हमारे यहाँ, तो भैया हो गई है, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है हल्की हल्की, और अभी निधि बता रही है बोली बहुत तेज तेज बारिश हो गई जब तुम सो रहे थे, तो बाहर बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम हो गया है भाई साहब, लेकिन अभी बूंदाबांदी हो रही है तो बाहर तो नहीं निकल पा रहे हैं, अंदर ही रहते हैं। देखो निधि ऊपर हिल रही है भैया के, और जोर जोर से पानी आ जाए, बादल बने हैं भाई साहब को देख ले हो। और अबे देखो नल तो चला ही रहो, बढ़िया बर्तन लगाए जी उसमें,
पानी ना आ जाए, अब जो सोचा है कि खुल जाए। अच्छा, जिनकी शादी है बेचारे उन आदमी ने सब पूछो कैसा लग रहा हो। अच्छा चलो भाई साहब, बढ़िया है। और आज हमारी भी ननद का तेल है। तो भाई साहब आज निधि की ननद का तेल है, यानी हमारी बहन का है आज तेल। हाँ। तो आज हम लोगों को जाना है अपनी दीदी की शादी में, मतलब शादी नहीं है, आज तेल है, कल मंडप है, परसों है टीका। आज तेल की रस्म है। तो भाई मौसम है इस हिसाब से, अब सोच रहे हैं कि भाई कैसे जाएं, भगवान थोड़ा सा खोल दे। अब जब तक तो खुल हो जाए, हम जल्दी से गाड़ी को काम करवाए, बिल्कुल काम करवाए, तैयार हो गए, जब तक खुल लीजिए। अच्छा, खुल जाए बस टाइम पर, चलो अच्छा है भाई साहब। सही बात है, भाई साहब भी आ गए हैं कोचिंग से, और बढ़िया। चलो अच्छा भाई साहब, आप लोगों के कमेंट देख के मन बहुत प्रसन्न हुआ, और इतने कमेंट तो आप लोगों ने जिस दिन हमारा घोड़ा एक्सपायर होगा तो यानी ख़त्म होगा तो उस दिन नहीं आपने करे थे कमेंट, तो करे थे कुछ लोगों ने करे थे, लेकिन इतनी नहीं करे थे जितने अब हमने कमेंट देख लाए। तो भाई साहब आप कमेंट कर रहे हैं सो ठीक कर रहे, लेकिन उनके बीच में हमें काय को घसीट रहे, सब लोग नहीं कह रहे, कुछ लोग मतलब ये कह रहे हैं कि भाई आप मामा जाएं, आप समझौता करवाएं, उनका ये करवाएं वो करवाएं, कुछ लोग कह रहे हैं बोले वो सब लोग एक से हैं, सब एक हैं। और दूसरी चीज़ कुछ लोग कह रहे हैं बोले तुम आलू की तरह फंदक के पहुंच जाते हो, ये करते हो वो करते हो। भाई साहब हमें काय को तुम गलत ठहरा रहे, आप उनसे जाके पूछ लो, कमेंट के माध्यम से पूछ लो साधना हंस हैं कि अगर हमने उनसे पैसा लिया हो या हमने उनको दिया हो। अरे भाई साहब हम तो बहुत दूर हैं। और रही बात रिश्तों की, तो भाई साहब रिश्ते में जी हम नहीं चाहते हैं कि कभी बुराई हो, ठीक है, पैसा है अपनी जगह है, भाई उनने लिया होगा तो उनको देना पड़ेगा, उनने लिया होगा तो उनको देना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात आप कह रहे हैं कि आप समझाओ जाओ, तो ऐसा नहीं है कि देखो हम किसी से नहीं कहते हों कि भाई उनका पैसा लिया है तो उनका दो, या उनसे कहते हों ना कहते हों कि तुमने लिया है तुम उनका दो। तो भाई साहब इस चीज़न के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब रही बात लेने देने की, तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि भाई आदमी नहीं कर पाता इतने जल्दी, और थोड़ा वक्त तो लगता है। तो गिलाने भैया हम तो इतने पैसा वाए हैं नहीं है कि आप लोग कह रहे कि आप जाके मतलब करवाओ निपटवाओ उनको, तो हम इतने पैसा वाए नहीं है कि हम जाके उनके पैसा दे दें कि हम उनके पैसा दे दें, ठीक है। और जी मक्खी साली बहुत परेशान कर रही हैं बीच बीच में, सो हैं बहुत गुस्सा आ रही, एक आधा हम ही अपने मुंह में ना घाल दे हैं, सो कह रहे खैर छोड़ो वो तो मजाक की बात है। अब रही बात भैया कमेंट की, तो देखो कमेंट इस हिसाब से आप लोग कमेंट नहीं करो, ठीक है, कि भाई उनका निपटवाओ ऐसा करो वैसा करो। अब भाई देखो पैसा है एक दूसरे का है, देना तो पड़ेगा, जब तक देखो पैसा ना चुके जब तक समझौता कैसे नहीं होने, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और देखो घर में तो किसी के पास इतना पैसा रखा नहीं है, ना उनके पास रखा है, ना उनके पास रखा है, और ना भाई साहब मेरे पास रखा है कि आप लोग कह रहे हो कि भाई उनका पैसा दिलवाओ दिलवाओ, तो उनके घर में नहीं रखो कि वे लेके जाएँ उठा के दे आए। इतना अगर पैसा हो तो आदमी के पास या घर में रखे होते तो जो आप लोग खुद जानत के, देखो आज के ज़माने के हिसाब से कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, ना इतनी कोकाओ की सुनता है, ठीक है। अब रही बात भाई जी चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाने की, तो देखो अपना अपना दिमाग है भैया, हम तो वैसे अभी तक बीच में नहीं बोलन जा रहे थे, लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं हमें कि कहने आ रहा हो काय के ऊ बीच में हम बिल्कुल है नहीं है, इस वजह से हमें थोड़ी सी मतलब एलर्जी टाइप की हो रही कि भैया यार ना हमने किसी को लेना देना हमने करो ही नहीं है, तो हम काय को यार बीच में आप लोगों की बातें सुने। और आप लोग खुश पूछ लो ना, उनसे पूछ लो इनसे पूछ लो, अगर किसी का मैंने कुछ भाई लिया हो तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर हमसे कह सकते हो। रही बात समझाने की, तो भैया ऐसा नहीं होता कि हम नहीं कह रहे होंगे काउ से, बिल्कुल कह रहे होंगे कि भाई पैसा दो जिससे लिया है जिससे दिया है दो निपटाओ फ्री करो। अब पैसों की बात है तो भाई अब देखो जमीन वमीन का है तो जमीन के लिए ऐसा है कि देखो अब अगर वो चाहें तो भाई दे सकते हैं, और नहीं चाहें तो नहीं बेच सकते हैं, उसमें अपनी तवज्जा कोनो जबरदस्ती है नहीं है कि हम उनसे कहें कि नहीं यार चलो तुम अपनी ज़मीन बेचो उनका पैसा दो, कैसे कह सकें हम बताओ उनसे कि तुम अपनी ज़मीन बेच दो। आदमी एक एकड़ ज़मीन लेवे के लाने बहुत सारे पापड़ बेल लो, ठीक है, और बेच के आदमी करेगा, खरीद तो पानी रहे बेच के जेंक है, और आगे चल के उनके भी तो भैया मोड़ी मोड़ा बीवी बच्चे वाले व्यक्ति हैं, जमीन वैसे ही कम है वैसे ही और कम पड़ जाएगी,
तो आप लोग तो ऐसे बोल देते यार के जमीन में दो पैसा चुकाओ, जमीन में दो पैसा चुकाओ। तो भैया ऐसा नहीं हो, ठीक है। हाँ, देने के लिए अगर मना कर रहे होते तो ठीक है, हम भाई उनके ऊपर प्रेशर डालते, उनसे कहते कि तुम अपनी जमीन पे बेचो चाहे कुछ भी करो, लेकिन उनका पैसा दो। तो भाई साहब देखो, देने के लिए भी लोग कभी मना नहीं करते, बस थोड़ा सा इतना है जिया जी को आपको पता ही है कि उनको पैर ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से बेबी काम धंधे से अपने नहीं लग पा रहे। जमीन में देखो, जब पहले पैसा लगा दो इसके बाद मिलता है, और जमीन में ऐसा नहीं है कि बगैर पूंजी लगाए और खेती में से फसल आ जाए, ऐसा नहीं होता। हम भी किसान हैं, हम भी जमीन में पहले पैसा लगाते हैं, इसके बाद जाके निकाल पाते हैं। तो ऐसा नहीं है भैया कि जमीन में कछु ना लगत हुए। जैसे कि अब मूंगफली बोई थी तो बस मूंगफली को 200 रुपया किलो है, तो ठीक है। और कम से कम हमने 1 क्विंटल बीजी और खरीदी, यानी 10,000 रुपया किया है। दवाइयों को रेट देखो जाए तो कम से कम 2,000 रुपया की 1-1 लीटर आ रही हो, 5-6 लीटर दवाई लगना है, तो कितना खर्च हो रहा है उसमें, जुताई भी होने उसी में, तमाम खर्चे हैं भाई साहब। अब जो जमीन किसान वालों, जो किसान व्यक्ति है वो जाना था जिन चीजन को, तो उसमें भी देखो पैसा लगा। रही बात अनिकेत की यूट्यूब की, कि आप लोग बोल रहे हैं कि अनिकेत यूट्यूब के पैसे कहाँ डाल रहा है, यूट्यूब के पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, देखो घर में 2 बहुएं हैं और 2 लड़का हैं, फिर उसके 1 लड़का भी हो गया है, बामताई है, यानी कुल मिला के सब लोग कितने 5-7 जने हो रहे हैं। तो यार उनको घर में खर्चा नहीं होगा कुछ, बताओ आप। नॉन तेल से लगा के साबन तेल, उन्ना कपड़ा, और किसी मतलब रिश्तेदारी में शादी आ रही तो वहाँ कल्स ले जाना, साड़ी ले जाना, व्यवहार करना, जो व्यवहार चढ़ा है वो उतारना, तमाम खर्चे हैं भैया। आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे होंगे हमारे ख्याल से सब लोग। मक्खी बहुत परेशान कर रही है हमें, ठीक है, हमें बहुत गुस्सा आ रही है। तो आप लोग समझदार हो, आप लोग जाना तो यार फिर भी ऐसी बातें कर रहे। और रही बात पैसा लेने देने की, तो देखो भैया अगर जेब में जिसके होता पैसा तो इतनी सुनता नहीं कोई व्यक्ति, ये बात आप भी खूब अच्छे से जानते हो। आदमी कब सुनता है किसकी बात, जब उस पर कोई परिस्थिति खराब हो। बाकी अनिकेत देशपाल हने हैं तो ऐसा नहीं है कि भी मने कर रहे हो कि भैया हम पैसा नहीं दे रहे, बस जी कह लगत के मामा अबे थोड़ी सी परिस्थिति खराब है, जैसे ही पैसा हो जाएंगे हम उनका 1-1 पैसे चुकाएंगे। बस भैया हम तो इतनी की कहो चाहू, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई साहब मैंने किसी का कुछ नहीं लिया है, आप लोग पूछ सकते हो दोनों पार्टियों से, ठीक है। तो उसमें बीच में हमें ना घसीटें कि वो सब लोग ऐसे ही हैं, ये बात आप बिल्कुल नहीं सोचें और ना कहें। बस आप जो हमसे हमारे बारे में भाई साहब पूछना चाहते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। बाकी रही बात उनके देखो समझौता करवाने की, तो जिस दिन समझौता होगा उस दिन हम आपको बता देंगे। और ऐसा नहीं हम चाहते हैं कि भैया रिश्ते में कोई बुराई हो जाए, हम यही चाहते हैं कि भैया वे अपने घर आते जाते रहें, हम उनके घर आते जाते रहें। तो भाई साहब पैसा एक दूसरे का जो भी कुछ है वो भी अपना आपसी में निपटा लें, ज़्यादा ठीक है, बुराई ना हो अच्छी बात है। तो भाई साहब इतने की क्या बचाओ कि हमारे पर कमेंट करो आप, तो ठीक है ऐसे करो कि जो कि देखने में अच्छी लगें, पढ़ने में अच्छी लगें, और उन लोगों के बारे में मतलब आप लोग कमेंट ना करें हमें, ठीक है। और जो भी कुछ बात है तो मतलब अगर करें तो कुछ ऐसा करें कि जो कि देखने में सुनने में अच्छी लगे, ये नहीं कि आप आलू की तरह उचकते हो, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, आप बुरे हो, आप सब लोग पैसा खाने वाले व्यक्ति हो, ये हो वो, यार ये कौन सी बात है भाई साहब, निवेदन है हमारा, ठीक है बस। और दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, करीब 8 बज रहे होंगे। गाँव में 3 जगह हैं भैया न्योता, तो एक जगह जा रहा है यस बर्थडे में, और एक जगह जा रहे हैं शादी में पापा, और एक जगह जा रहे हैं शादी में हम। खाना तो वैसे हैं उतनी जल्दी भी स्पीड में नहीं खा पाने, कहा कि जौन साइड से खाते हैं उस साइड की तो दाढ़ी डैमेज हो गई, तो इस साइड से तो टांके लगे तो खा नहीं पाने, इस साइड से खाएंगे धीमे धीमे खाएंगे। अब भाई न्योता है तो गाँव का है तो जाना तो पड़ेगा, सो चलते हैं। और यस और पापा दूसरी जगह जा रहे हैं।